आजम खान से जेल में मुलाकात कर अखिलेश ने तय कर लिया अपना सियासी एजेंडा। रामपुर से उम्मीदवार का जल्द होगा ऐलान। अखिलेश बोले, आजम साहब आप जिसे चाहिए उम्मीदवार बना दीजिए, जिताने की जिम्मेदारी हमारी। निराश आजम ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया, बोले अब परिवार से किसी को भी सियासत में लाना नहीं चाहता। देखिए जेल के अंदर क्या हुई सपा चीफ और आजम के बीच बातचीत, क्या रामपुर सीट पर सपा का प्लान फेल हो जाएगा। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मुलाकात करने के लिए आज अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव का काफिला सीधे जेल के अंदर चला गया। अखिलेश ने जेल के अंदर जाते वक्त मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनके साथ सपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता भी थे और ये दोनों ही नेता आजम खान से मुलाकात करने जेल गए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आजम और अखिलेश की मुलाकात को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चर्चा है कि अखिलेश यादव ने रामपुर सीट को लेकर आजम खान की राय जानी है। रामपुर सीट पर पहले फेज में ही चुनाव होना है, इसीलिए जल्द ही सपा को यहां से प्रत्याशी का ऐलान करना होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि रामपुर और उसके आसपास की सीटों को लेकर अखिलेश यादव ने आजम खान से गुफ्तगू की है। आजम खान के निर्देश के बाद ही वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और प्रत्याशी का ऐलान करेंगे। पिछले दिनों खबर आई थी कि आजम परिवार की बहू सिद्रा आदिवाजम चुनावी मैदान में कूद सकती हैं। हालांकि अखिलेश यादव रामपुर को आजम खान के हवाले कर चुके हैं और पहले ही कह चुके हैं कि जिसे भी आजम साहब चाहेंगे उसे ही यहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। पार्टी की जिम्मेदारी उस प्रत्याशी के पीछे खड़े होने और उसे जिताने की होगी। सूत्रों की माने तो जेल के अंदर बंद आजम खान ने अखिलेश यादव से कोई खास बात नहीं कही है। आजम खान ने साफ तौर से कहा कि वो अपने परिवार से किसी को भी अब सियासत में नहीं लाना चाहते। जिस तरह की विरोधी राजनीति चल रही है और उनके परिवार को हर तरह से फंसाया जा रहा है, वो नहीं चाहते कि परिवार के और भी सदस्य सियासत की वजह से परेशान हो और आने वाले भविष्य में सरकार की प्रताड़ना को झेलें। आजम खान ने सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर अखिलेश यादव के कंधों पर ही दारोमदार सौंप दिया है और साफ शब्दों में कह दिया है कि जिसे भी पार्टी चाहे यहां से चुनावी मैदान में उतार सकती है। मैं और मेरा परिवार उसके लिए चुनाव प्रचार जरूर करेंगे। जेल में मुलाकात के बाद सपा प्रमुख अनूप गुप्ता के आवास पर पहुंचे और यहां कई नेताओं के साथ बातचीत की। खबर ये भी है कि कल तक समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि आजम खान 22 अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को रामपुर की कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई है। सुरक्षा कारणों के चलते आजम खान को रामपुर से सीतापुर जिला कारागार शिफ्ट कर दिया गया था। आजम खान उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत ही रसूखदार नेता रहे हैं। सपा सरकार में उनकी तूती बोलती थी। वो 10 बार के विधायक और 1 बार के सांसद रहे हैं। मुलायम सिंह के दौर में आजम खान का जलवा किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं था। लखनऊ से स्टेट प्लान खास तौर पर उन्हें रामपुर तक सिर्फ ड्रॉप करने के लिए जाया करता था। उस वक्त ऐसा कहा जाता था प्रदेश की आधी सरकार रामपुर से ही चलती है। हालांकि आजम खान के इसी जलवे पर साल 2017 से ग्रहण लगना शुरू हो गया था। चुनावी रैली में सुर्खियां बटोरने और अपनी ताकत दिखाने के लिए आजम खान ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक बड़ा डायलॉग मारा था। उन्होंने कहा था कि इन कलेक्टर फलक्टर से मत डरियो, ये तनखाइये हैं, अल्लाह ने चाहा तो चुनाव बाद इन्हीं से जूते साफ कराऊंगा। यही डायलॉग आजम खान के लिए नासूर बन गया। उनके इस बयान के बाद से ही पूरा प्रशासन उनके खिलाफ खड़ा हो गया और उन पर एक के बाद एक 115 मुकदमे दर्ज कर लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।